जय हिंद। आज हम मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, यानी भारतीय बंदरगाह के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे मैप एनालिसिस के साथ। देखिए, पहले जो क्वेश्चन की डिमांड हुआ करता था, पूछ लेता था कि व्हिच पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी पूछ लेता था कि कांडला पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, पारादीप पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन की डिमांड हुआ करती थी। या फिर ऐसा पूछता था कि 1 2 3 4 करके दे दिया पोर्ट के नाम और साथ में स्टेट के नाम दे दिया और बोलता था मैच द फॉलोइंग। तो ये अभी जो क्वेश्चन की डिमांड है थोड़ा वाइड होते जा रही है। अब सिर्फ उसके नाम नहीं पूछ रहा है, उसके डिटेल्स, आसपास की डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि व्हिच इज द लार्जेस्ट पोर्ट, व्हिच इज द बिजिएस्ट पोर्ट, इसके और इसको और किस नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, ये किस मॉडल पे बेस्ड है, ये सब भी पूछ लेता है। कौन सी रॉ मटेरियल यहाँ से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है, इसके बारे में भी डिटेल्स में पूछता है। तो आज हम सारे चीजों को एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे जैसे कि फ्री ट्रेड जोन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, डॉक क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, पूरा बेसिक से लेके आपको पूरा हीरो बना के छोड़ेंगे आज पोर्ट के बारे में। अगर पोर्ट से और कुछ भी क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन छोड़ो ही ना। और एमसीक्यू रखे हैं आपके लिए कुछ, तो एमसीक्यू से होता है क्या, अगर आप एमसीक्यू मेंशन करते हो यानी कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करते हो, इसका मतलब कि आप समझ चुके हो पोर्ट्स के बारे में डिटेल्स, या फिर जो भी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये जो आप मेंशन करते हो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, यानी शेयर करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहला मैं ये दिया हूँ कि पोर्ट का डेफिनेशन क्या है। ये पोर्ट इज अ लैंडिंग प्लेस फॉर शिप्स ऑन ए कोस्ट, रिवर और ए लेक। शिप डॉक एट पोर्ट्स टू लोड एंड अनलोड देयर कार्गो एंड पैसेंजर्स। इसका मतलब है कि ये वो स्थल है जहां जहाज सवारियों को या माल को उतारने चढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं, इसको बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। देखिए, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, लाइक मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स, इंटरमीडिएट पोर्ट्स। अब मेजर एंड माइनर पोर्ट्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपली है कि जो मेजर पोर्ट्स है वो दैट इज हैंडल्ड यानी मेंटेनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो स्टेट, जो माइनर पोर्ट है, माइनर पोर्ट को कौन कंट्रोल करता है? जनरली स्टेट गवर्नमेंट। तो मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट। और जो मेजर पोर्ट्स है ये दे हैंडल इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि भारत से जापान को, भारत से यूएसए को, तो इंटरनेशनल ट्रेड हैंडल करता है मेजर पोर्ट्स। और जो माइनर पोर्ट्स है दे हैंडल कोस्टल एंड फिशिंग ट्रेड। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। देन एग्जांपल अगर ले, जैसे कि एग्जांपल मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट, ये सब पोर्ट है क्या मेजर पोर्ट का एग्जांपल। और माइनर पोर्ट का एग्जांपल है कन्नूर कोट जो केरला में है, और भी बहुत सारे बताएंगे, डोंट वरी। अब देखिए, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स, कितना 13 मेजर पोर्ट्स, 13 में से 12 ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है एंड 1 इज अंडर प्रोसेस, ठीक है। वो क्या पोर्ट है उसके बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे। एंड 205 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 13 मेजर पोर्ट्स है, 12 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड 1 इज अंडर प्रोसेस एंड 205 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। दैट पोर्ट्स हैंडल ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पोर्ट्स प्ले वेरी सेंट्रल रोल यानी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बिकॉज देखिए ये क्या होता है ना, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रोडवेज की बात अगर हम करेंगे, रोडवेज या फिर रेलवेज, इसके तुलना में जो हमारा मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही चीप है उसके कंपेरिजन टू, और आसान भी होता है, तो इस देश की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर 95% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, जो हमारा टोटल जो ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो 95% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू, ये ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है, ठीक है। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ, देखो
ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब होता क्या है, इंडिया के पास टोटल 7,516 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। अब ये इंक्लूडेड है कौन सा, इंक्लूडेड है आइलैंड ग्रुप को मिला के, ठीक है। अब आइलैंड ग्रुप में हमारे अगर भारत की बात करेंगे, भारत के आइलैंड ग्रुप में दो तरह के आइलैंड पाए जाते हैं, जनरली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड लक्षद्वीप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो मैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में डिटेल्स में बात किया हूँ, पूरा डिटेल्स में मैप एनालिसिस के साथ आप उसको वीडियो में जाके देख सकते हो। और लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में मैं कभी डिटेल्स में बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो 7,516 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है भारत के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसकी वजह से 13 मेजर पोर्ट्स जो हमारे कोस्टल स्टेट्स में है, ठीक है, और 205 मैंने बताया उसके बारे में। अगर हम पोर्ट के टाइप्स को देखें, एक तो ओनरशिप के हिसाब से होता है, ओनरशिप के हिसाब से कौन सा, एक होगा आपका प्राइवेट पोर्ट, एक है पब्लिक पोर्ट, एक है प्राइवेट पोर्ट, एक है पब्लिक पोर्ट। प्राइवेट पोर्ट का एग्जांपल अगर आप मतलब जानने के लिए चाहोगे, जैसे कि अदानी साहब की ले लो या फिर कोई रिलायंस की है पोर्ट, तो ये प्राइवेट में आएगी। पब्लिक में गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, मेजोरिटी उसका जो पोर्शन होता है गवर्नमेंट हैंडल करती है, समझ में आ गया। अब अगर दूसरी की बात करेंगे साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से भी दो है, एक है मेजर है, मोटे मोटे तौर पर मेजर है, और एक है माइनर है, जिसकी हमने बात की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देन देखते हैं, ऑल पोर्ट्स आर इंडिया सिचुएटेड कौन सा, 9 कोस्टल स्टेट्स। अब कोस्टल स्टेट में ही पोर्ट होगा, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली हरियाणा में होगी, कोस्टल स्टेट में ही पोर्ट की लोकेशन होगी। तो कौन सी वो स्टेट है, जैसे कि वेस्ट में मैं बता दिया हूँ कैटेगरीज करके, वेस्ट में है क्या है, वेस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, एंड ईस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार। वैसे उड़ीसा को जी बोलना, उड़ीसा जी, बिकॉज आई लव उड़ीसा, इन द सेंस मेरे दिल के करीब है, तो उड़ीसा को जी लगा के बोलना, ठीक है। तो कौन सी टोटल 9 स्टेट का नाम हमने बताया। देन देख अब पर्टिकुलर हम स्टेट वाइज देखेंगे, देखिए स्टेट कौन से स्टेट में कौन सी पोर्ट पाए जाते हैं, जैसे कि कांडला पोर्ट हमने बताया कहाँ पे, गुजरात में, मुंबई में पोर्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बादाबन पोर्ट है, मोरमागो, न्यू मंगलोर या मंगलोर एंड कोचिन, जो केरला में है, ये बता दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, देन आपका गोवा, कर्नाटका एंड केरला। अब इस साइड की बात करेंगे, अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे अगर, तो ईस्टर्न कोस्ट में भी है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ये वाली तूतीकोरिन तमिलनाडु में, देन आपका चेन्नई पोर्ट, देन विशाखापट्टनम, देन एन्नूर, पारादीप एंड कोलकाता। तो ये टोटल आपके जो कोस्ट है दोनों स्टेट, आई मीन दोनों कोस्टल साइड में, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड के बारे में हमें डिटेल्स में आपको बता दिया, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देन एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, कांडला पोर्ट पहले स्टार्ट करते हैं। कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, लोकेटेड इन द टाउन ऑफ कांडला, इट इज ए सी पोर्ट टाउन, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। कहाँ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट में है, हमने बता दिया। अब ये लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि एक टाइडल पोर्ट है, याद रखिएगा टाइडल पोर्ट है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, कब कंस्ट्रक्टेड हुआ था, आफ्टर द पार्टीशन व्हेन कराची पोर्ट ट्रांसफर टू पाकिस्तान, उसके बाद ही बाद में इसको बनाया गया था। ये एक्चुअली और भी दूसरे पोर्ट को हेल्प करता है, जैसे कि बीजीएस पोर्ट, मुंबई बहुत बिजी रहता है पोर्ट, उस हिसाब से उसके जो कंजेस्टन है उसको रिलीव करने के लिए ये हेल्प करता है। ये है लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, याद रखिएगा लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल। इट हैज बीन एक्नोलेज्ड फ्री ट्रेड जोन, अब ये मैं बता रहा था फ्री ट्रेड जोन क्या है, सिंपली ये फ्री ट्रेड जोन इज ए क्लास ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट इज एन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, इट इज एन जियोग्राफिकल एरिया वेयर गुड्स मे बी इंपोर्टेड सॉर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बट एंड ऑल्सो री एक्सपोर्टेड अंडर स्पेसिफिक कस्टम्स रेगुलेशंस,
समझ में आया? अंडर स्पेसिफिक कस्टम्स रेगुलेशंस एंड जेनरली नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी। आई होप कि आपको फ्री ट्रेड जोन क्या है समझ में आया होगा। तो ये है कांडला पोर्ट, देख लीजिए, ये कांडला पोर्ट है जो गुजरात में है। देन बात करेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया। सेकेंड ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट, अब फर्स्ट कौन सा है ओल्डेस्ट में अगर देखेंगे, कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट फर्स्ट ओल्डेस्ट पोर्ट है एंड मुंबई इज द सेकेंड। ठीक है, ये शिवाजी जो थे उनके टाइम पे भी ये यूज किया जाता था। देन इसकी जो, इट हैज थ्री एनक्लोज्ड वेट डॉक्स, जैसे कि प्रिंसेस डॉक, विक्टोरिया डॉक एंड इंदिरा डॉक, थ्री डॉक्स है। अब डॉक क्या होता है? सिंपली डॉक मीन्स एन एरिया ऑफ पोर्ट वेयर शिप्स स्टॉप टू बी लोडेड रिपेयर्ड एटसेट्रा। यानी मैं अगर बताऊं कि वो हिस्सा बंदरगाह का वो हिस्सा जहां जहाज का माल उतारा या चढ़ाया जाता है और जहाज मरम्मत भी किया जाता है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा डॉक के मतलब। इट इज द बिजिएस्ट पोर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देन जवाहर द्वीप, ये वाला मैं दिखाया हूं यहाँ पे, जवाहर द्वीप यहाँ पास में है। इट इज एन इनलैंड इन आइलैंड इन द हार्बर फॉर क्रूड। ये जो जवाहर द्वीप के बारे में बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, जवाहर द्वीप अगर पूछा जाता है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास ही है। देन बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नावासिबा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नावासिबा। क्यों नावासिबा बोला जाता है? बिकॉज देयर आर टू विलेजेस, दो विलेजेस है नावासिबा करके, उसकी वजह से नावासिबा पोर्ट भी कहा जाता है। ये पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है। एंड इट इज 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। क्या है? 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। एंड व्हाट इज लैंडलॉर्ड मॉडल? ना, इन द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल द पब्लिकली गवर्न्ड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी बॉडी एंड एज ए लैंडलॉर्ड, व्हाइल प्राइवेट जो होता है, जो प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट पोर्ट ऑपरेटिंग, यानी मेनली कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज में जो प्राइवेट होते हैं वो करते हैं। हियर पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन्स ओनरशिप, जो पोर्ट अथॉरिटी है ओनरशिप मेंटेन करते हैं ऑफ द पोर्ट, व्हाइल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीज टू प्राइवेट फर्म्स फॉर मेंटेनेंस। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लैंडलॉर्ड पोर्ट क्या है, पीपीपी मॉडल क्या है। ठीक है, देन इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, देखो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखिएगा इसको। एलिफेंट आइलैंड भी यहाँ पे है। इट इज रैंक 26th अमंग द टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स, ये 2021 की रिपोर्ट है। ठीक है, 26th रैंक्ड हुआ था। देन आप देखेंगे बादावन पोर्ट, बादावन पोर्ट जो है, बादावन पोर्ट इज द 13th मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड में आता है, ये भी लैंडलॉर्ड मॉडल पे है। देन ये जो बादावन पोर्ट है ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है, ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर में बना है। एंड इट इज ए ग्रीन पोर्ट, याद रखिएगा ग्रीन पोर्ट। अब ग्रीन पोर्ट मतलब कि कलर ग्रीन नहीं है, यहाँ की जो जैसे कि फ्यूल वगैरह यूज होता है जहाज में वो ग्रीन यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, और वहां पे कोशिश किया जाता है कि एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, देन बात करेंगे मरमागोवा पोर्ट, इट इज सिचुएटेड ऑन द एस्टुरीज ऑफ द रिवर जुआरी। ठीक है, रिवर जुआरी ये वाली। अब रिवर जुआरी कहाँ पे है? जुआरी रिवर इज द, याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट गोवा, गोवा का लार्जेस्ट स्टेट रिवर है। अब लड़के लोग खुश हो जा रहे होंगे गोवा के नाम सुन के, लेकिन मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जुआरी रिवर इज द लार्जेस्ट स्टेट रिवर ऑफ गोवा। ये एक टाइडल रिवर है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, मैं बस उसके आसपास के डिटेल्स भी बता रहा हूँ। एंड दिस मरमागोवा पोर्ट इज नेचुरल हार्बर, ये अवार्डेड हुआ था, अवार्डेड द स्टेटस ऑफ मेजर पोर्ट इन द ईयर ऑफ 1963। ठीक है, ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है, इतना याद रखिएगा। देन आते हैं मैंगलोर पोर्ट के ऊपर। अब मैंगलोर पोर्ट की अगर बात करें, इट इज डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट। ऑल वेदर पोर्ट मतलब हर सीजन में ये का मतलब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। ये भी आयरन और इंपोर्ट करता है। क्यों आयरन और इंपोर्ट करता है? जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है बिकॉज ये कर्नाटका में है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कर्नाटका में एक कुदेरमुख करके जगह है जहाँ पे बहुत सारा
हाई क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। ये सब आप बेसिक लॉजिक से भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर केरला में कुछ पोर्ट है तो जनरली जाहिर सी बात है कि वहां पे जो स्पाइसेस है उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, तो ये जनरली कॉमन सी बात है, ठीक है। देन हम बात करेंगे कोची पोर्ट के बारे में। कोची पोर्ट इज द फास्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया, फास्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया। इट लाइज ऑन टू आइलैंड, विलिंगडन आइलैंड एंड भल्लापरदम आइलैंड, याद रखिएगा विलिंगडन आइलैंड एंड भल्लापरदम आइलैंड, ठीक है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट, ये केरला में है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट, जैसे मैंने बताया था स्पाइसिस एक्सपोर्ट होता है, साथ में क्या क्या होता है, और टी कॉफी, और इट इज वन ऑफ द सेंटर फॉर सी बिल्डिंग एज वेल, याद रखिएगा। देन देखते हैं तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट भी ओ चिदंबरम पोर्ट इसको बोला जाता है। अगर इनके बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही महान रह चुके हैं, जैसे कि इनका पूरा नाम है भल्लियांगम ओलांगंथम चिदंबरम पिल्लई। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पहले तो फ्रीडम फाइटर थे, देन लॉयर भी थे, देन बिजनेसमैन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। देखो कितने सारे इनके महान काम हुआ करते थे। इन्होंने और भी फाउंडेड किया था, जैसे कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। इट वाज फाउंडेड इन 1906, जब मुस्लिम लीग हुई थी 1906, टू कम्पीट अगेंस्ट ब्रिटिश। समझ में आ रहा है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में कम्पीट करने के लिए इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी फाउंड किए थे, तो उनके नाम से भीओ चिदंबरनर पोर्ट बनाया गया है। आर्टिफिशियल पोर्ट गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, पर्ल फिशिंग के लिए बहुत जाना जाता है। ये कोल सॉल्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। देन चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट फॉर्मरली नोन एज मद्रास पोर्ट, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टेनर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। चेन्नई पोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन 1875, 1875 में बनाया गया था। आर्टिफिशियल है, ऑल वेदर पोर्ट है विथ वेट डॉक्स, ठीक है। इट इज ड्यू टू एक्सटेंसिव ऑफ द पोर्ट इन दैट सिटी ऑफ द चेन्नई इवेंचुअली बिकेम नोन एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई पोर्ट की वजह से। देन हम अगर बात करेंगे एन्नोर पोर्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पिछले बार आया था यूपीएससी में। अगर एन्नोर पोर्ट की बात करें, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है कामराजर पोर्ट, ठीक है। कामराजर पोर्ट इट इज द 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड फास्ट, क्या, फास्ट पोर्ट ऑफ इंडिया व्हिच इज पब्लिकली पब्लिक कंपनी, ठीक है। 12th मेजर पोर्ट मैंने बताया, और फास्ट पोर्ट इन इंडिया व्हिच इज ए पब्लिक कंपनी। अब ये कामराजर साहब कौन थे, इनके बारे में थोड़ा देखो। ये फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एंड फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, कामराजर पोर्ट, इसलिए इनको इस पोर्ट का नाम, एनर पोर्ट का नाम कामराजर पोर्ट है। ये कोरोमंडल कोस्ट पे है, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, कोरोमंडल कोस्ट अगर हम इंडिया की बात करें, ये वाली अगर इंडिया की बात करें, नॉर्थ में क्या रहेगा, उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन नॉर्थ रेम में रहेगा, और साउथ में कावरी डेल्टा, तो उसके बीच में जो आता है उसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, और उसके नाम से एक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। ये ट्रेड क्या करता है, आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। ये है कामराजर पोर्ट, याद रखिए पिछले साल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। वैसे आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, कौन सा इसका मैच द फॉलोइंग होगा, क्योंकि मैंने सारे चीज बता दिया, तो आप इसको आंसर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। देन देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट ऑल्सो नोन एज भाईजैक पोर्ट, ठीक है। भाईजैक पोर्ट अच्छी जगह है घूमने के लिए, भाईजैक पोर्ट। देन इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। ये चेन्नई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में है। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट किस लिए, ना बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, ठीक है। आयरन और कोल, एल्यूमिनियम एंड ऑयल वगैरह यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। देन देखते हैं पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा जी में है, मैंने बताया उड़ीसा को जी लगा के बोलना। फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ कमीशन बाय आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। लोकेटेड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, वैसे मैं यहाँ घूम चुका हूँ, काफी अच्छा जगह है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड द बे ऑफ बंगाल। मैंने ये जगह को भी गया हुआ है, घुमा हुआ है, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है महानदी एंड बे ऑफ बंगाल का, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तो
ये ओडिशा में है कौन सा? पारादीप पोर्ट। द पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेट बाय पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पीपीटी, ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या एक्सपोर्ट करता है? आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह। ये उड़ीसा है इंडिया के अंदर, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे उड़ीसा साइड में, ठीक है। देन देखते हैं कोलकाता पोर्ट, इट इज ऑफिशियली नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिएगा मैं दो तीन नाम बताया, जैसे कि कामराजर बताया, बीओ चिदंबरम बताया, देन श्यामा मुखर्जी बताया, तो ये सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। एंड ओनली रिवर एंड पोर्ट, याद रखिएगा ओनली रिवर एंड पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन इट इज द ओल्डेस्ट, में बताया सेकंड ओल्डेस्ट भी बताया था आपको। देन ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कोलकाता इज अ फ्रेश वाटर पोर्ट, याद रखिएगा, ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर इसको बताया जाता है। हल्दिया डॉक यहाँ पे है, कोलकाता डॉक है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, इन द सेंस है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। देन है कुछ स्कीम्स आई थी, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स आई थी, वैसे प्रोजेक्ट आया था पोर्ट के ऊपर, तो सागरमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सागरमाला प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट कैबिनेट इन 2015, 2015 में इसको अप्रूव किया गया था। ये किस लिए किया गया था ना? होलिस्टिक पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारे चीज के लिए, होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया था। और इसको जो मतलब हैंडल किया जाता है, यानी थ्रू मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। द विजन ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना? लॉजिस्टिक कॉस्ट एग्जिट, जिसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोला जाता है, इसको उसका मेन एम था। देन अगर हम बात करेंगे टोटल के ऊपर, कितना पोर्ट हम पढ़े आज, ये गुजरात के कांडला पोर्ट के बारे में बताया, मुंबई के बारे में बताया, देन आपको मरमागोवा बताया, सारा चीज आपको बताया, कोची, तूतीकरीन, आपका एन्नौर, विशाखापट्टनम, यहाँ पे उड़ीसा पारादीप है, कोलकाता पोर्ट है, तो ये सारे आपको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से मैप में, ताकि हमेशा के लिए याद रह जाए। तो हमने आज क्या पढ़ा टोटल के ऊपर अगर हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या कितना उसको शॉर्ट करके देखेंगे, तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई है। न्यूएस्ट पोर्ट कौन सा है? बादाबन है, जो महाराष्ट्र में है। ओल्डेस्ट पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कोलकाता में है। डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट, ये सब याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आप लोगों के लिए शॉर्ट शॉर्ट करके मैं दिया हूँ, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। बीजीएस पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नवासी भी बोला जाता है, महाराष्ट्र में है, निवास नवासीबा। और प्राइवेट मेजर पोर्ट आपका मुंद्रा पोर्ट है, ये सब आपको अच्छे से याद रखिएगा। देन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है वैसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एन्नौर पोर्ट। आप इसको अच्छे से देखिए, देखने के बाद इसका आंसर क्या होगा आप प्लीज मेंशन कीजिए यूट्यूब में, आई मीन कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आप देखिएगा जो आप क्वेश्चन को आंसर देते हो या कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो, हमेशा के लिए याद रहता है, और मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ रेस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एज वेल एज गॉड ब्लेस यू एंड वंदे उत्कल जननी।